मैं मुस्कान मिश्रा आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूपी लाइव 100 न्यूज चैनल पर। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से बने रहिए हमारे साथ यूपी लाइव 100 न्यूज पर। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। खबर है प्रतापगढ़ से। प्रतापगढ़ में आज प्रतीकशील समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव प्रेस वार्ता की गई। बेरोजगारी, किसान बिल, बढ़ती हुई महंगाई, प्रदेश में बढ़ते हुए अपराध पर चिंतित विकित की गई। ब्यूरो रिपोर्ट प्रतापगढ़। का तो कोई दोष है नहीं, हम कह रहे अपराधी को बंद कर दो है? अपराधी के लिए तो फिर जेल है, अदालतें हैं, वकील हैं, ये किस बात के लिए? अभी आप जिक्र कर रहे थे मुख्यमंत्री जी ईमानदार हैं, क्या वास्तव में मुख्यमंत्री जी अपने ईमानदार हैं? लेकिन तो शब्द उनके ठीक नहीं है, आप इसका जिक्र कर रहे थे। मैंने तो कहा ठोक दो, कह रहे मुख्यमंत्री जी घर गिरा दो, तो ये नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश की जनता का होता है, किसी दल का नहीं होता है। ईमानदार है मुख्यमंत्री, हमने कहा, हमेशा कहा मुख्यमंत्री ईमानदार हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ निर्णय ठीक नहीं। पूरा नौकरशाही हावी है, पूरी नौकरशाही हावी है। कौन सी जनता की कोई नहीं सुनने वाला, यहाँ तक कि जनप्रतिनिधियों का, प्रधान से लेकर के ब्लॉक प्रमुख से लेकर के जिला पंचायत अध्यक्षों से लेकर के यहाँ तक कि विधायकों का, अच्छा बताइए ये था वैश्विक बीमारी कोरोना, विधायकों का कोई जिम्मेदारी नहीं, केवल अधिकारियों पर छोड़ दिया। अधिकारियों पर छोड़ने की वजह से न तो दवाएं मिली और उसमें भ्रष्टाचार चरम सीमा। क्या कोई इलाज मिला? अगर जनप्रतिनिधि साथ में होते। अच्छा देखिए, बहुत से संस्थाओं ने, बहुत से हमारी पार्टियों ने लगातार जो मजदूरों को खाना खिलाया है, वो भी निर्णय गलत था सरकार का। एकदम पहले ही दिन रेल बंद, बसें बंद, फैक्ट्रियां बंद। आज तक हम पूछना चाहते हैं आप लोगों से, किसी भी मजदूर को किसी भी फैक्ट्री में काम करते हुए जो काम कर रहा था, किसी को कोरोना आज तक नहीं हुआ? किसी किसान को कोरोना जो खेतों में काम कर रहा था आज तक नहीं हुआ? पहले ही दिन रेल बंद, बसें बंद, फैक्ट्रियां बंद, और फैक्ट्रियां और ये सब बंद होने की वजह से मजदूर देश के सड़कों पर आ गया, इकट्ठा हो गया, फिर पैदल चला 15-15 किलोमीटर पैदल चला, मैं बच्चों के, मैं सामान के। तो क्या ये निर्णय ठीक था? इसकी वजह से कोरोना भी फैला और फिर लोगों ने, सामाजिक संस्थाओं ने उन्हें 1 महीने नहीं 3-3 महीने खाना खिलाया, और उसका जो खाना खिलाया उसका बिल सरकारी कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने बनाया। हम अगर एक शब्दों में कहना चाहें संक्षिप्त में कि ये 4 साल में मुख्यमंत्री भाजपा की सरकार तो कैसी रही, आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल फेल रही सरकार, जनता को परेशानियां बढ़ी हैं, महंगाई बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है,